साथियों, वी मेक चैंपियंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस न्यूज चैनल में आज हम एक बहुत ही ताजा खबर लेकर आ रहे हैं, और वह खबर है उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक टीम से संबंधित, जिसका चयन किया जा चुका है और जो कि 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आयोजित होने वाली, 15 से 17 जून को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। और यह चयन किया गया है जो आप खिलाड़ियों की, जो यूथ खिलाड़ियों की 7वीं उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई थी 2 जून 2024 को, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। और इस टीम के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं, मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। 100 मीटर में इटावा के लव रावत और मेरठ के सनी विकल और अलीगढ़ के दीपक पाठक, 200 मीटर में मेरठ के सनी विकल, मुजफ्फरनगर के मोहम्मद शोएब त्यागी, मुरादाबाद के यश तोमर, 400 मीटर में सहारनपुर के युगांक चौधरी, मेरठ के मयंक चिकारा, मुजफ्फरनगर के मोहम्मद शोएब त्यागी, 1000 मीटर में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के ज्ञान सिंह यादव, बुलंदशहर के हिमांशु चौधरी, उन्नाव के विजय, 110 मीटर हर्डल में इटावा के मनीष कुमार राजभर, सोनभद्र के नितिन सिंह, ऊंची कूद में वाराणसी के तुषार राय, हाथरस के ऋतिक गौर और इटावा के बलदेव सिंह हैं। लंबी कूद में जौनपुर के शिवम का चयन किया गया है। शॉटपुट में अमरोहा के सुजल कुमार, मुरादाबाद के सक्षम चौधरी, डिस्कस थ्रो में शामली के मंजीत ठाकुर, औरैया के आयुष शुक्ला और मेरठ के यशस्वी प्रताप सिंह का नाम टीम के अंदर है। जैवलिन थ्रो में जौनपुर के ऋषभ गिरी, 5000 मीटर में उन्नाव के नितिन गुप्ता और इटावा के ईशु यादव हैं। हेप्टाथलन में अयोध्या के अभय सिंह और वाराणसी के राम अनुज यादव, इटावा के वरुण राजपूत टीम का एक हिस्सा है। पुरुषों की टीम के जो कैप्टन बनाए गए हैं वह है मेरठ के रहने वाले सनी विकल को, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सनी विकल के लिए कि उनको टीम का कप्तान बनाया गया है। और अब मैं आपको जो अंडर 18 विमेन टीम का चयन किया गया है चयन समिति के द्वारा, उनके इवेंट के साथ में खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं। 100 मीटर में शामली की निपम, अयोध्या की पलक तिवारी, सुल्तानपुर की सोनाक्षी कनौजिया, 200 मीटर में अयोध्या की पलक तिवारी, देवरिया की निशा सहानी, वाराणसी की प्रीति पाल, 400 मीटर में वाराणसी की रोशनी यादव और सोनभद्र की रीनु गुप्ता, 1000 मीटर में वाराणसी की साक्षी सिंह और आगरा की शिवानी, 100 मीटर हर्डल्स में लखनऊ की यशस्वी दुबे, ऊंची कूद में शामली की अंजुम चौधरी, लंबी कूद में सोनाक्षी कनौजिया सुल्तानपुर, गोला फेंक में अमरोहा की खुशी, डिस्कस थ्रो में नैन्सी अमरोहा की रहने वाली हैं, सुहानी और कीर्ति पटेल दोनों प्रयागराज से हैं, जेवलिन थ्रो में सपना देवी चित्रकूट से, 3000 मीटर रेस वॉक में शिखा यादव वाराणसी और सरोजनी उन्नाव से हैं, हेप्टाथलन में शिवानी यादव बनारस से और सुहानी राठौर फर्रुखाबाद से, यशस्वी दुबे लखनऊ से। तो इस टीम का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की चयन समिति के द्वारा। और बालिका वर्ग में टीम कैप्टन रहेंगी यशस्वी दुबे, तो ये लखनऊ की एथलीट है और लखनऊ के लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है कि जब उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कप्तान की जिम्मेदारी यशस्वी दुबे को दी गई है। और मेरठ के लिए भी बहुत ही स्वर्णिम पल है जब इस टीम की कप्तानी की दावेदारी सनी विकल को जो दी गई है। टीम के मैनेजर आगरा के सेक्रेटरी श्री नरेंद्र कुमार जी होंगे और टीम कोचेज होंगे साई के वाराणसी के कोच श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव जी की और फर्रुखाबाद की ज्योति कुमारी की। तो इस प्रकार ये टीम का चयन मैंने आपको बताया, आज की ताज़ा समाचार यही था। साथियों, उत्तर प्रदेश की टीम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए प्रयागराज से 13 जून 2024 को रवाना होगी। सभी खिलाड़ी अपने जिला सचिवों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, यदि कोई खिलाड़ी सीधा पहुंचना चाहता है तो वह इसकी जानकारी टीम के मैनेजर और कोचेस को अवश्य दे दें ताकि वह आपके लिए वहां पर तैयार रह सके। खिलाड़ियों, बहुत गर्मी है बिलासपुर में, इसका ध्यान रखिएगा, अपनी व्यवस्था करके चलिएगा। रास्ते में जब भी आप ट्रेन में जाएं तो किसी भी ऐसी प्रकार की वस्तु ना खाएं जिससे आपको हाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दूषित पानी और ऐसी कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है गर्मी में ख़राब हो जाती हैं।
और वह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। यदि यात्रा के दौरान आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मेरा सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि अपनी संपूर्ण व्यवस्था वह स्वयं करके चलें और सुरक्षित रहें और सफलतापूर्वक अपने प्रदर्शन को वहां पर दिखाएं और बिलासपुर से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अनेकों मेडल जीत कर लाएं और टीम का नाम रोशन करें। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप सभी इसे कर लीजिए ताकि हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार समाचारों के माध्यम से जो भी नई सूचनाएं हैं वो आपको देते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी खिलाड़ियों को यह वीडियो समय से पहुंच सके। और इसी के साथ में आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।